यहाँ से यहाँ से बैठा था ना, उसे नीचे उतरेगा तो लेफ्ट साइड में रखता। अरे क्या कर रहे भाई मोबाइल से, थोड़ा फ्रेम को मार। क्या हुआ, क्या हुआ? मुनीर मामा की जय। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये कितने सालों से यहाँ पर अंधेरी से राजा बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने आज मुझे पहली बार बुलाया। मैं पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ, इतना नाम सुना है मैंने और आई एम रियली ग्रेटफुल। शायद कुछ स्पेशल होने वाला है इसलिए वो बुलाते हैं, वरना खुले तो द्वार सभी के लिए होते हैं, बट उनका एक बुलावा होता है तब जाकर इंसान जाता है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड, रियली हैप्पी कि मैं आज आया हूँ यहाँ पर। हम पिछले 43 ईयर्स से सेलिब्रेट कर रहे हैं, 43 ईयर्स से हम लोग गणपति रख रहे हैं घर पे, और पिछले 3-4 सालों से हम लोग क्ले के गणपति बनाते हैं बिकॉज मेरे जो बच्चे हैं उनको मजा आता है, उनके लिए एक बहुत ही लुक फॉरवर्ड की गणेश चतुर्थी आ रही है, और 10 दिन के लिए रखते हैं जब वो रहते हैं, और उनका बड़ा दिल टूटता है, दुखता है जब हम उसको गणपति को पानी में विसर्जित करते हैं। दे डोंट वांट गणपति टू गो, सो दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट गणेशा। यार मैं बहुत मिस करता हूँ, अब तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन हमेशा गणेश चतुर्थी के विसर्जन के दिन मैं खुद मेरे पापा के साथ मेरे चाचा के साथ हम लोग जाते थे पानी में, समुद्र के पानी में, और विसर्जित करके आते थे। लेकिन नाउ वी बिकम वेरी इन्वायरमेंटल कॉन्शियस, हम लोग अब बाल्टी में ही करते हैं। सो मेरी ये विनती सब लोगों से ये रहेगी कि जितना हो सके या तो इको फ्रेंडली गणपति लें, और जो फूल फल वगैरह हैं वो पानी में ना फेंकें, आप उसको दफना सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड, बोले बहुत हेल्दी मैन्योर बन सकता है वो, लेकिन उसको पानी में ना डालें। मेरे लिए यही मैसेज है सभी के लिए। मैं आई थिंक आई एम वन ऑफ द लकीस्ट कि गणपति के दौरान ही एक नया शो लॉन्च होने जा रहा है, और गणपति के दौरान ही एक शो खत्म हुआ है, तो अपने आप में एक बहुत ही विचित्र चीज़ है। तो हम रहे ना रहे, टुडे द लास्ट एपिसोड, और इट्स वेरी वेरी सैड, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन इट टीना जय और स्वास्तिक प्रोडक्शंस के साथ। और सौभाग्यवती भव ट्यूजडे से शुरू हो रहा है, सो प्लीज वॉच इट बिकॉज आई एम कमिंग।